ओम श्री परमात्मा नाय नमः। राग और द्वेष, राग द्वेष अंतःकरण के आगंतुक विकार हैं, धर्म नहीं। धर्म स्थायी रहता है और विकार अस्थायी अर्थात आने जाने वाले होते हैं। राग द्वेष अंतःकरण में आने जाने वाले हैं, अतः इनको मिटाया जा सकता है। साधक की प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक नहीं होनी चाहिए, प्रत्युत शास्त्र के अनुसार होनी चाहिए। राग द्वेष पूर्वक किए गए काम का परिणाम अच्छा नहीं होता। दूसरे साधक के प्रति द्वेष वृत्ति अपने साधन की सिद्धि में महान बाधक होती है। विवेक अनादि है, राग अपना बनाया हुआ है। संसार में राग होने से विवेक दब जाता है और विवेक जागृत होने से राग मिट जाता है। निरंतर परिवर्तनशील संसार को अस्थिर मानने से ही राग द्वेष द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। जिसमें राग हो जाता है उसमें द्वेष हो जाता है, उसमें दोष नहीं दिखते और उसमें द्वेष हो जाता है उसमें गुण नहीं दिखते। राग द्वेष से सहित उनके होने पर वस्तु अपने वास्तविक रूप से दिखती है। वास्तव में सब कुछ चिन्मय ही है, पर राग द्वेष के कारण जड़ दिखता है। राग द्वेष न हो तो एक चिन्मय तत्व परमात्मा के सिवाय और कुछ है ही नहीं।